हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर वेल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर यू। आज का हमारा टॉपिक है क्रियात्मक शोध का अर्थ, महत्व एवं इसका क्षेत्र, मीनिंग, सिग्निफिकेंस एंड एरिया ऑफ फंक्शनल रिसर्च। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है क्रियात्मक शोध का अर्थ। देखिए, जॉन डब्ल्यू बेस्ट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इनका कहना है क्रियात्मक अनुसंधान का तात्कालिक उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा सिद्धांत का विकास नहीं किया जाता, ना ही इसका सामान्य उपयोग किया जाता है। इसमें यहाँ और भी समस्याएं जो स्थानीय प्रकार की हैं उस पर बल दिया जाता है। इसके परिणामों का मूल्यांकन स्थानीय अनुप्रयोग के रूप में किया जाता है, ना कि सार्वभौमिक वैधता के रूप में। अब देखिए, जो क्रियात्मक अनुसंधान है इसका मतलब क्या है? जो क्रियात्मक अनुसंधान है ये एक प्रोसेस है, ठीक है, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो व्यवहारिक कार्यकर्ता है। अब व्यवहारिक कार्यकर्ता क्या होते हैं? व्यवहारिक कार्यकर्ता जो स्कूल में काम करते हैं, जो प्रैक्टिकल वर्कर होते हैं, ठीक है, जैसे शैक्षिक हेडमास्टर हो गए, व्यवस्थापक हो गए, निरीक्षक, ये सब वैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्याओं का अध्ययन करते हैं, उन पर निर्णय देते हैं और क्रियाओं में निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करते हैं। इसी को हम क्रियात्मक अनुसंधान बोलते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर क्रियात्मक अनुसंधान को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि क्रियात्मक अनुसंधान वह अनुसंधान है जो तात्कालिक समस्या समाधान के उद्देश्य से घटना स्थल पर वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है, जिसके आधार पर क्रियाओं या तात्कालिक समस्याओं में निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये लोग क्या करते हैं कि निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करते हैं, ठीक है, वो भी किस ढंग से? वैज्ञानिक ढंग से, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो क्रियात्मक अनुसंधान। मैं एक और तरीका आपको बताती हूँ। जो क्रियात्मक अनुसंधान होता है कार्य क्षेत्र से संबंधित होता है, ठीक है, जो कार्य क्षेत्र से जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी समस्याएं होती हैं उससे संबंधित होता है। अब क्या करता है क्रियात्मक शोध? ये जो भी कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्याएं होती हैं उनके कारणों को ये जानता है, फिर उनके कारणों को जानने के बाद उसका समाधान करने के लिए वो रिसर्च करता है। इसी को हम क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व। संक्षेप में क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व को निम्नलिखित रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। पॉइंट नंबर वन, विद्यालय की कार्यप्रणाली में वांछित सुधार करना। क्रियात्मक अनुसंधान की सहायता से शिक्षक, प्रधानाचार्य, प्रबंधक और निरीक्षक आदि अपने विद्यालय की समस्त समस्याओं से पूर्ण अवगत होकर उन्हें समझने तथा उनके निराकरण का उपयोग ढूंढ निकालते हैं और विद्यालय की कार्य प्रणाली से वांछित सुधार करते हैं। पॉइंट नंबर टू, विद्यालय में व्यापक यांत्रिकता एवं रूढ़िवादिता का वातावरण को समाप्त करना। जो विद्यालय में व्यापक रूढ़िवादिता है, ठीक है, उन सब चीजों को समाप्त करना पॉइंट नंबर सेकेंड बोल रहा है। प्रायः विद्यालयों में पहले से चली आ रही शिक्षण विधियों एवं शिक्षा के सिद्धांतों के आधार पर ही शिक्षा दी जाती थी। अभी तक क्या होता था कि जो विद्यालय में पुरानी शिक्षण विधियाँ, पुराने जो टीचिंग मेथड्स थे उन्हीं के अकॉर्डिंग हम बच्चे को पढ़ा रहे थे, ठीक है। तो अब टाइम जैसे जैसे चेंज होता है वैसे वैसे बच्चों की मैंटेलिटी भी चेंज होती है, तो हमें अब बच्चों के अकॉर्डिंग अपने रूल्स को चेंज करना होता है। जो रूढ़िवादिता थी, पहले का टाइम था कि शिक्षक केंद्रित था, लेकिन अब बाल केंद्रित आ गया है, तो इस उनके अकॉर्डिंग हम रूल्स बनाते हैं, टीचिंग मेथड अप्लाई करते हैं। पॉइंट नंबर थ्री कहता है, शिक्षकों, प्रधानाचार्यों, प्रबंधकों एवं निरीक्षकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने में सहायक। क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा शिक्षकों, प्रधानाचार्यों, प्रबंधकों एवं निरीक्षकों आदि में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है और व्यक्तिगत स्वार्थी
स्वार्थों को भूलकर, मतलब अपना जो पर्सनल स्वार्थ होता है उन सबको भूलकर विद्यालय की प्रगति की ओर विशेष ध्यान देते हैं। पॉइंट नंबर 4, विद्यार्थियों के सर्वमुखी विकास के लिए विद्यालय की क्रियाओं का प्रभावकारी आयोजन, मतलब विद्यालय विद्यार्थी मतलब जो विद्यार्थी है, बालक है, उसका पूरा का पूरा विकास करने के लिए जो विद्यालय की क्रियाओं का प्रभावकारी आयोजन होता है, ठीक है, विद्यालय के शिक्षक, प्रधानाचार्य एवं अन्य संबंधित व्यक्ति क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा विद्यालय की समस्याओं का विधिवत अध्ययन करते हैं एवं उनके समाधान हेतु नवीन ज्ञान खोज निकालते हैं। तो यहाँ क्या होता है, जो शिक्षक होते हैं विद्यालय के, जो प्रधानाचार्य होते हैं, जो मतलब कार्यकर्ता होते हैं स्कूल के, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग समस्याओं का बहुत ही डिटेल में अध्ययन करते हैं। जब डिटेल अध्ययन कर लेते हैं उसके बाद, उस अध्ययन करने के बाद उस समस्या का समाधान करते हैं, एक नया तरीका या नया रास्ता खोज निकालते हैं। ये हर क्षेत्र में विद्यार्थियों का समुचित विकास करते हैं करने के लिए समुचित विकास करने के लिए विद्यालय की क्रियाओं को प्रभावकारी ढंग से आयोजित करते हैं। शिक्षकों में आपसी सहयोग बढ़ाने एवं सहानुभूति कार्य करने में भावना करने की भावना विकसित करने में सहायक। विद्यालय में क्रियात्मक अनुसंधान का कार्य शिक्षक, प्रधानाचार्य, प्रबंधक, निरीक्षक, इन सभी लोगों को मिलजुल कर करते हैं। ये सभी लोग क्या करते हैं, आपस में जब क्रियात्मक अनुसंधान करना होता है तो ये सब लोग एक दूसरे से मिलजुल के बातें शेयर करते हैं, ठीक है, जिसका परिणाम ये होता है कि उनमें सहयोग और सहानुभूति की भावना विकसित होती है। अगला हमारा टॉपिक है क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र। क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र बहुत सीमित है। यहाँ पर क्षेत्र से हमारा संबंध अनुसंधान की क्रिया सीमा से था। यदि क्षेत्र का अर्थ हम जहाँ जहाँ क्रियात्मक अनुसंधान किया जा सकता है इस बात से ले तो क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र बड़ा व्यापक है। संभवतः कोई भी ऐसा क्षेत्र और स्थान नहीं है जहाँ क्रियात्मक अनुसंधान ना किया जा सकता हो। पाठशाला हो या प्रयोग उद्योगशाला, किसी किसान का खेत हो या मजदूर का मजदूरी करना, लड़ाई का मैदान हो या पहलवानों का अखाड़ा, इन सभी जगह क्रियात्मक अनुसंधान संभव है। जो क्रियात्मक अनुसंधान है, फंक्शनल रिसर्च, मतलब हमारे काम का जो रिसर्च है, ये बहुत ही सीमित है। अब यहाँ पहले लाइन में बोला गया है बहुत सीमित है, फिर तीसरी लाइन में बोला गया है कि इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है। एक्चुअली में क्या है कि पहले लाइन में जो बोला गया है कि बहुत सीमित है, इसका मतलब है कि हम पर्टिकुलर किसी एक क्षेत्र पे समस्या को का समाधान अगर ढूंढते हैं तो उस क्षेत्र में उसके जो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है वो लिमिट है, ठीक है। जैसे कि हम एजुकेशन से रिलेटेड देखते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखें, क्रियात्मक अनुसंधान देखें, तो ऐसा नहीं है कि हम हर जगह का अलग अलग मजदूरों से रिलेट कर लें या पाठशाला या किसानों से रिलेट कर लें। नहीं, अगर हमें शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान करना है तो हम सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में ही देखेंगे, उनके विद्यालय से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखेंगे, बच्चे को क्या दिक्कत आ रही है, विद्यालय में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, पहले प्रॉब्लम को जानेंगे, फिर उसके बाद उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक अच्छा तरीका देखेंगे, ठीक है, और उसी को हम फॉलो करेंगे। तो यहाँ बोला गया है, फिर उसके बाद और बाकी जगह में जहाँ जहाँ क्रियात्मक अनुसंधान, अब देखिए क्रियात्मक अनुसंधान कई जगह होता है, रिसर्च जो होता है ये एक क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में होता है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से होता है, उनके अलग अलग कारण होते हैं, ठीक है। तो क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र बहुत ही बड़ा है, बहुत व्यापक है। जैसे कि अगर हम देखें तो पाठशाला में अलग क्रियात्मक अनुसंधान होता है, उद्योगशाला में अलग होता है, किसान के खेत में अलग होता है। किसान अपने खेत में अगर क्रियात्मक अनुसंधान करता है तो वो देखेगा कि उसके खेत के या उसके फसल के लिए क्या बेस्ट है, क्या वो ऐसा करे कि जिससे कि उसकी फसल अच्छी उपजाऊ हो। ये है कि किसान के क्षेत्र में हम देखें तो क्रियात्मक अनुसंधान होता है। उसी तरह मजदूर की मजदूरी करना, लड़ाई का मैदान हो या पहलवानों का अखाड़ा, हर जगह क्रियात्मक अनुसंधान होता है। यहाँ तक कि चोर, गुंडे, डाकू और लुटेरे तक
क्रियात्मक अनुसंधान करते ही रहते हैं। यहाँ बात दूसरी है कि उस अनुसंधान का प्रयोजन स्वार्थ पर आधारित होता है या परहित पर। अब देखिए, जो क्रियात्मक अनुसंधान है, जो चोर है, चोर कैसे क्रियात्मक अनुसंधान करता है? चोर भाई चोरी करने के लिए वो क्या करेगा, वो ऐसा मेथड देखेगा, वो भी पहले कारण जानेगा कि मैं अगर चोरी नहीं कर पाया पहली बार तो क्यों नहीं कर पाया, उसका कारण क्या था, मैं क्यों पकड़ा गया, कारण जानेगा। अगर सुधर गया तो ठीक है, नहीं सुधरा तो वो क्या करेगा, अगली बार चोरी करने के लिए अलग से प्लानिंग बनाएगा, अलग से रिसर्च करेगा कि मैं किस घर में जाऊँ या किस जगह में कैसे चोरी करूँ जिससे कि मैं पकड़ा ना जाऊँ। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, क्रियात्मक रिसर्च कर रहा है कि उसे कैसे चोरी करना है। तो एक एग्जाम्पल है यहाँ पे कि मजदूरों की मजदूरी करने में क्रियात्मक अनुसंधान का उदाहरण लेते हैं हम। एक स्थान पर 8 से 10 मजदूर मिट्टी डाल रहे हैं, ठीक है, वो काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसके बावजूद उन्हें डांट पड़ रही है, उन्हें एक सूझ सूझी। वो लोग ने क्या किया कि वो पंक्ति में खड़े हो गए, एक सीधी लाइन में खड़े हो गए। अब सीधी लाइन में खड़े होने के बाद उन लोगों ने क्या किया, जो टोकरी थी मिट्टी की, उस टोकरी को एक दूसरे को वो ट्रांसफर करने लगे। तो जो पहला मजदूर था उसने दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, तीसरे ने चौथे को दिया, इसी प्रकार अंतिम मजदूर आया तो उस मजदूर ने क्या किया, उस मिट्टी की टोकरी को उसके ठिकाने पर डाल दिया। इससे हमने ये देखा कि एक्चुअली उन्हें क्या हुआ कि कम परिश्रम करना पड़ा, ठीक है, अधिक काम, यही तो उन मजदूरों की खोज थी। ठीक है, इसी का नाम क्रियात्मक अनुसंधान है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्येक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान संभव है। अब देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है। शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता इसलिए है कि शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाला प्रत्येक शिक्षक एवं अधिकारी अपनी समस्याओं का सरल और सही समाधान खोज सके, पाठ्यक्रम को छात्रों की आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के अनुरूप बदला जा सके, शिक्षण विधियों में उचित परिवर्तन लाया जा सके या कम समय में ही समस्याओं को जल्द से जल्द और सरलता से सुलझाया जा सके, शिक्षा से संबंधित दैनिक समस्याओं का सही हल खोजा जा सके, मतलब शिक्षा से संबंधित जो रोज की प्रॉब्लम्स आती हैं उन सबको हम सही तरीके से उनका हल खोज सके, इसलिए हम क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं। शिक्षण में व्यावहारिकता लाई जाए, तो जो शिक्षा के क्षेत्र में हम प्रैक्टिकल चीज़ों को करेंगे, ये नहीं कि हमने एज्यूम कर लिया, मान लिया ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, तो नहीं। तो हम क्रियात्मक अनुसंधान इसलिए करते हैं ताकि एजुकेशन के क्षेत्र में उसको प्रैक्टिकली हम उस रोल को अप्लाई कर सके। तो ये था हमारा क्रियात्मक अनुसंधान। एक्चुअल में क्रियात्मक अनुसंधान यही है कि अपनी सभी समस्याओं का समाधान खोजना क्रियात्मक शोध से संभव है। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में कम समय में अपनी सभी समस्याओं का समाधान खोजना क्रियात्मक शोध कहलाता है। ये था हमारा क्रियात्मक अनुसंधान। आई होप आप सबको समझ में आया हो। अगर आप लोग को ना समझ में आया हो या कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। थैंक यू।